हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं बनाने वाली हूँ, देखिए मैं पुरानी साड़ी का यूज़ करने वाली हूँ, जॉर्जेट वाली साड़ी मैं यूज़ कर रही हूँ। आप कॉटन की साड़ी भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ मैं यूज़ करने वाली हूँ इस तरीके से, मेरे पास एक पुरानी पतली वाली बेडशीट पड़ी है, मैं उसका यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास सिर्फ साड़ियाँ हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें एक नई ट्रिक मैं यूज़ करने वाली हूँ, ऊन का यूज़ करने वाले हैं हम इसमें, लेकिन हम इसे हाथ से नहीं सिलेंगे, हम इसे एक नई ट्रिक लगा के सिलाई मशीन से सिलेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी बनने वाली है और इसकी लुक तो बहुत ही सुंदर आएगी। तो चलिए हम बिना डिले किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ले ली इस तरीके से साड़ी और बेडशीट, और इसमें से मैं क्या करूँगी, इसमें से मैं जितना बड़ा बनाना चाहते हैं उतने हम पीसेस कट कर लेंगे। तो मैं पीसेस कट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने कट कर लिया, सबसे ऊपर साड़ी के दो पीस रखे हैं, बीच में बेडशीट के, और सबसे नीचे फिर से साड़ी के दो पीसेस रखे हैं। तो जितना बड़ा आपने बनाना हो इस तरीके से रखना है। उसके बाद आप चाहें तो पिनअप कर सकते हैं, पर पिंस बहुत ज़्यादा लगेंगे इसलिए मैं हाथ से थोड़ा मोटा मोटा इसमें कच्चा कर ले रही हूँ। तो सारे पीसीस को मैं इस तरीके से इकट्ठा सिल लूँगी। तो बड़े बड़े टांके लगाने हैं क्योंकि बाद में हम इसे खोल देंगे, ये हम सिर्फ इसलिए लगा रहे हैं ताकि सिलाई ईजली लग जाए। तो देखिए मैंने अच्छे से सारा इसमें बड़े बड़े से टांके लगा लिए हैं, तो अब हम इसमें आराम से सिलाई लगा सकते हैं। तो सिलाई आपको कैसे लगानी है, देखिए आपको 1 और 2 दो तरफ से इसे पहले स्टिच करना है, उसके बाद आपको बीच में इसके सिलाइयाँ लगानी है। इस तरह के से क्विल्टिंग करेंगे तो बहुत इजी होती है। तो जितना भी हमारा एक्सेस फैब्रिक आएगा वो नीचे की तरफ और साइड की तरफ चला जाएगा। तो आपको कैसे फ़ोल्ड करना है, देखिए वहाँ से हम शुरू करेंगे सिलाई लगाना, और इसे पहले फ़ोल्ड करते हुए दो तरफ से हम इसे फिनिश कर लेंगे, बाकी की दो तरफ से हम इसे फिनिश बाद में करेंगे। तो हम इस पर सिलाई लगा लेते हैं दो तरफ से, और मैंने बीच में सिलाई लगाने के लिए भी इस पे निशान लगा लिया। तो आप निशान लगा के भी कर सकते हैं, बिना निशान के भी। तो हम देखिए कुछ इस तरीके से इसमें सिलाई लगाने वाले हैं। तो मैंने पहले इस तरीके से कपड़े पे सिलाई लगा के देखी थी कि सिलाई हमारी मजबूत होती भी है या नहीं, तो इसीलिए मैंने पहले ट्राई किया था, और ट्राई करने के बाद ही आपको मैं बता रही हूँ कि बहुत ही अच्छी तरीके से सिलाई लग जाती है, देखिए फिनिशिंग के साथ, और ये सिलाई भी बहुत पक्की होती है, देखिए इस तरीके से। तो आप इसे जितना मर्जी वॉश करेंगे ये आपकी बेडशीट कभी भी ख़राब नहीं होने वाली है, देखिए। तो बहुत बहुत अच्छे से पक्के से सिलाई लगती है। तो इसी तरीके से हम इसे पूरे पे सिलाई लगा के इसे क्विल्ट करेंगे अलग अलग धागों से। तो मैं यूज़ कर रही हूँ ऊन का, तो कोई भी आपके पास बची कुची ऊन हो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये जो हम स्वेटर सिलने के लिए यूज़ करते हैं वो वाली ऊन है। ऊपर मैं सिंपल धागा यूज़ करूँगी, सिंपल सिलाई मशीन, और 18 नंबर की मैंने इसमें नीडल यूज़ की है सिलाई मशीन में। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से 3 या 4 बॉबिन में आपको इस तरीके से ऊन को भर लेना है, ताकि आपको बार बार ऊन भरना ना पड़े। तो 3 या 4 बॉबिन में ऊन भर के पहले रख लीजिएगा। तो ये मैंने इस तरीके से ऊन को फिल कर लिया। अब हमें क्या करना है, बॉबिन में यहाँ पे छोटा सा नट होता है, इसे आपको लूज़ करना है, क्योंकि हम ऊन यूज़ कर रहे हैं, ऊन थोड़ा मोटा होता है, इसलिए आपको ये बट जो नट सा ऐसे लूज़ करना पड़ेगा। देखिए हमारा आराम से धागा निकल रहा है इसमें से। तो इसी तरीके से आपको भी इस नट को लूज़ कर लेना है, उसके बाद आप इजली इससे सिलाई लगा सकते हैं। ये देखिए थोड़ा सा और लूज़ कर लेती हूँ मैं, अब ठीक है। अब हम इसे नीचे डाल देते हैं, देखिए इस तरीके से, और हम इस पर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए नीचे की तरफ से हमारा ऊन आ गया, ऊपर की तरफ से धागा। अब हम इस पे पूरे पे सिलाई लगा के इसे क्विल्ट करेंगे। फोल्ड करते हुए पूरे पे हम इस पे सिलाई लगा लेंगे। तो पहले हमें दो तरफ सिलाई लगानी है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बिछा के दिखाया था। ये देखिए तो बिल्कुल फिनिशिंग से और बहुत अच्छे से हमारी इस पे सिलाई लग जाती है। तो ये एक साइड हो गई, अब ऐसे लंबाई में भी मैं पूरा इस पर सिलाई लगा लूँगी। तो दो कॉर्नर से मैंने इसे फिनिश कर दिया। तो ये मैं एंड तक आ गई, एंड में आपको पूरी सिलाई नहीं लगानी है, क्योंकि सिलाई करते वक्त नीचे से हमारा देखिए कई बार इस तरीके से छोटा बड़ा हो जाता है। तो हम यहाँ तक सिलाई लगाएंगे, देखिए छोटा बड़ा हम बाद में बराबर करेंगे नीचे की तरफ से। तो
तो इसीलिए हम इस पे आधे पे सिलाई लगाएंगे। अप्रॉक्सीमेट 2 इंच के करीब हम यहाँ से छोड़ देंगे। देखिए, तो मैंने आधे पे सिलाई लगा के इसे निकाल लिया। बाद में नीचे से हम इसे बराबर कर लेंगे। अब आपको बाकी की इसमें सिलाइयाँ लगानी है पूरी लंबाई में। देखिए, जो मैंने निशान लगाए हैं उन्हीं निशान के ऊपर मैं सिलाई लगा रही हूँ। तो हम सारा इसे पूरा क्विल्ट कर लेंगे। इसी तरीके से पूरे पे हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, तो हमारे कुछ इस तरीके से सिलाइयाँ आएंगी। तो देखिए, मैंने सारी सिलाइयाँ लगा ली हैं और यहाँ से हमारा भी ओपन है और नीचे की तरफ से ओपन है। बस दो साइड से हमने इसे फिनिश किया था। और देखिए, फिनिशिंग से हमारी सिलाई लग गई है बिल्कुल। तो दो तरफ से हमारा ओपन है, दो तरफ से मैंने फिनिश कर दिया था स्टार्टिंग में। अब जहाँ से हमारा ओपन है, तो जो भी छोटा बड़ा हमारा आया है, पहले हम उसे बराबर कट कर लेंगे, उसके बाद हम उस पर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से अगर क्विल्टिंग करते हैं तो काफ़ी अच्छे से और फिनिशिंग से देखिए हमारी क्विल्टिंग हो जाती है। अब आपको इसे इस तरीके से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेना है। मैं वैसे ही सिलाई लगा रही हूँ, नीचे की तरफ मैंने ऊन लिया है। तो ये बहुत ही पक्की बनती है हमारी, काफ़ी टाइम तक ये आपकी चलने वाली। देखिए, इस तरीके से हमारा डिज़ाइन बन गया। अब मैं इसके बीच में भी एक एक सिलाई लगाऊंगी और दूसरी कलर का ऊन मैं इसमें यूज़ करूँगी। तो देखिए, मैं इस तरीके से येलो कलर का ऊन यूज़ कर रही हूँ और बीच में मैं इसके सिलाई लगा के इसे क्विल्ट करूँगी। तो आपके पास जितने भी धागे हैं मल्टी कलर के, आप इसमें ऊन पड़ी हुई है वेस्ट, वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से, ये देखिए। तो मैंने इस पे सारे पे सिलाई लगा ली है। तो देखिए, बहुत ही प्यारा इस तरीके से हमारा इसका डिज़ाइन आ गया है। तो एक तरफ हमारा इस तरीके से ऊन वाला डिज़ाइन आ गया, जो हमने सिलाई मशीन से इसे स्टिच किया है, और दूसरी तरफ से हमारा इस पे प्लेन डिज़ाइन आएगा। देखिए, इस तरीके से। तो बिल्कुल पास से दिखा रही हूँ मैं आपको सिलाई। देखिए, काफ़ी अच्छे से इस पे सिलाई आ जाती है। देखिए, तो एक तरफ से हमारा इस तरीके से बन गया, दूसरी तरफ से हमारी प्लेन सिलाई है। तो आप किसी भी तरफ से यूज़ कर सकते हैं। देखिए, रिवर्सेबल है। एक तरफ से हमारा प्लेन है, इस तरीके से प्लेन सिलाई दिखेगी आपको, और एक तरफ से इसमें ये जो हमने ऊन से सिलाई लगाई है, ये वाली सिलाई लगेगी। तो आप इसे किसी भी तरीके से, किसी भी तरफ से यूज़ कर सकते हैं। तो किसी भी साइज़ का आप इसे बना सकते हैं। तो मैंने काफ़ी बड़े साइज़ का बनाया। देखिए, इस तरीके से, तो काफ़ी अच्छे बड़े साइज़ में मैंने इसे बनाया है। इससे भी बड़े साइज़ का आप बेडशीट के साइज़ का, मंजे पे बिछाने के लिए, सर्दियों में नीचे बिछाने के लिए, ओढ़ने के लिए, इस तरीके से घर पे इजली बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से। तो घर में छोटे बच्चे हैं तो ये तो आपके बहुत ही काम आने वाला है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप भी इस तरीके से पुरानी साड़ी से और बची कुची ऊन से घर पे इस तरीके से बना सकते हैं। तो बनाने में आसान, देखने में सुंदर, बिल्कुल रेडी टू यूज़ है। देखिए, बिल्कुल रेडी हो गया है। थैंक यू।